Session 4, Set Page Breaks. सेट पेज ब्रेक समझने के लिए हमें एक्सेल शीट में आना होगा. ये यूज़र के द्वारा बनाया गया एक वर्कशीट डेटा है जिसमें यूज़र ने डिफरेंट प्रोडक्ट्स नेम और मंथ में उनकी जो सेल हुई है उनको रिप्रेजेंट किया है स्प्रेडशीट में. और जो लास्ट कॉलम है वो जो है आपका है टोटल, जो कि आइड आपका कॉलम है. इसमें कंप्लीट मंथ का जो रेवेन्यू है उसका टोटल हमें यहाँ पे यानी कि आइड कॉलम में उसने दिया हुआ है. मान लीजिए यूज़र को जो वर्क करना था वो कंप्लीट अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर चुका है. अब उसको प्रिंट आउट लेना है इस रिकॉर्ड का जो भी उसने स्प्रेडशीट में काम किया है. तो प्रिंट लेने के लिए उसे क्या करना होगा, फाइल में जाके प्रिंट लेना होगा, प्रिंट में क्लिक करना होगा. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको जो आपका रिकॉर्ड है वो आपका कितने पेजेस में डिवाइड हो रहा है, 8 पेजेस में. ये जो कंप्लीट रिकॉर्ड जो ये कंप्लीट वर्कशीट में है आपकी, ये वर्कशीट आपकी 8 पेजेस में है, ठीक है. तो आज का जो सेशन है हमारा पेज ब्रेक, हम किस तरह से पेजेस को ब्रेक करेंगे. तो अगर मान लीजिए बिना पेज ब्रेक लगाए या यूज़र इस डेटा को अगर प्रिंट लेता है तो उसको 8 पेजेस में ये रिकॉर्ड मिलेगा, ठीक है. तो जो कि उसको समझने में काफ़ी दिक्कत होगी कि कौन सा जो कौन सा रिकॉर्ड कौन सा मेंशंस डेटा किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है. तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम पेज ब्रेक का यूज़ करते हैं. तो पेज ब्रेक यूज़ करने से पहले हम क्या करेंगे, अपने पेज के एरिया को देखेंगे, हमारे पेज में किस जगह पर हमारा कौन सा डेटा हमारा प्रिंट हो रहा है, ठीक है. तो देखेंगे ध्यान से. तो सबसे पहले हम लोग अपने व्यू को चेंज करेंगे. हम अभी फ़िलहाल नॉर्मल व्यू में हैं, एक्सेल के नॉर्मल व्यू में. हम अपने व्यू को चेंज कर सकते हैं तीन ऑप्शन से. पहला है हमारा नॉर्मल व्यू, सेकंड है हमारा पेज लेआउट, एंड द थर्ड वन इज़ पेज ब्रेक प्रीव्यू. तो अभी हम नॉर्मल व्यू से हम पेज लेआउट व्यू में क्लिक कर रहे हैं. तो पेज लेआउट व्यू में क्लिक करने के बाद अगर आप देखेंगे आपका डेटा 8 डिफरेंट शीट्स में आपका प्रिंटेड है, और जिसमें आपका रिकॉर्ड पहले पेज में आपको डेटा मार्च से लेके नेम तक मिल रहा है, और सेकंड आपका अप्रैल से लेकर टोटल तक मिल रहा है. तो यूज़र क्या चाहता है कि उसको ये सारे डेटा यानी कि जितना भी डेटा उसका कॉलम वाइज है, जैसे सीरियल नंबर से लेकर टोटल तक, वो एक ही पेज में ले ले, और उसके जो नीचे का जो रिकॉर्ड्स यानी कि जो रो वाइज जो उसका रिकॉर्ड है वो आपको उसको 20 रिकॉर्ड्स एक पेज में मिल जाए. इस तरह से यूज़र इस पूरी स्प्रेडशीट को 3 पेज में प्रिंट करना चाहता है. जो भी यूज़र की जो कंप्लीट रिकॉर्ड है जो इसने रिकॉर्ड मेंटेन किया है उसको वो चाहता है कि वो 3 पेज में प्रिंट ले ले. तो अभी आप देख रहे हैं 8 पेजेस हैं, तो उसको हमें 3 पेजेस में कन्वर्ट करना है. तो इस तरह का काम करना या किस तरह से हम पेज को ब्रेक करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम पेज के साइज़ को हम चेंज करेंगे. बाई डिफ़ॉल्ट हमारे पास अभी जो सिलेक्टेड हमारे पास पेज साइज़ है वो लेटर है. लेटर की जगह हम A4 यूज़ कर रहे हैं जिसमें 8.27 × 11.69 इंचज़ का साइज़ है पेज का. तो हम A4 में क्लिक कर रहे हैं. A4 में क्लिक करने के बाद हम इसके ओरिएंटेशन को चेंज करेंगे, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप. याद रखिएगा ये स्प्रेडशीट का डेटा अगर हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो हमें अपने इस डेटा को लैंडस्केप मोड में ही रिप्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है. तो हम पेज लेआउट में क्लिक करके हम अपने रिकॉर्ड को का जो ओरिएंटेशन है पोर्ट्रेट की जगह हम लैंडस्केप में सेलेक्ट कर रहे हैं. लैंडस्केप और पोर्ट्रेट आप देख पा रहे हैं पेज को किस तरह से हम पेज में किस तरह से हम प्रिंट करेंगे. अगर आप ये आपका पेज है आप इस तरह से प्रिंट करेंगे तो ये पोर्ट्रेट मोड कहलाएगा. अगर आपने पेज को इस तरह से मशीन के अंदर डाला है तो आप इस तरह से आपका प्रिंट होगा, ठीक है. तो हम लैंडस्केप चूज़ कर रहे हैं. तो लैंडस्केप चूज़ करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि नेम से लेके यानी कि सीरियल नंबर से लेके नेम जून तक आपका डेटा एक ही शीट में आ गया. जो बचा आपका टोटल कॉलम है आपको इस जगह लेके आना है, ठीक है. ये काम करने के लिए हम क्या करेंगे, आप मार्जिनस को चेंज करेंगे. मार्जिनस हमारे पास क्या है, बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 4 मार्जिनस हैं, कुछ कस्टम मार्जिनस हैं, लास्ट कस्टम सेटिंग्स नॉर्मल. बाय डिफ़ॉल्ट अभी हम लोग हमने नॉर्मल मार्जिन चूज़ किया हुआ है. हम नैरो भी यूज़ कर सकते हैं. नैरो अगर आप चूज़ करेंगे तो नैरो चूज़ करने के बाद आप देख रहे हैं कि जो टोटल कॉलम हमारा नेक्स्ट शीट में था वो सेम शीट में आ गया. इसके अलावा हमारे पास मार्जिनस होते हैं, कस्टम मार्जिनस. मार्जिन बेसिकली क्या होता है, आपका जो पेज है ये जो आपका कंप्लीट पेज आप देख पा रहे हैं ये आपका पेज है, इस पेज में कितने एरिया में यूज़र को अपना डेटा प्रिंट करना है, ठीक है.
आप मार्जिन यहाँ से सेट कर सकते हैं कस्टम मार्जिन में जाके। ये आपका कंप्लीट पेज है, पेज में आपको डेटा किन जगहों से कितना स्पेस आपको खाली रखना है और किस स्पेस पे आपको डेटा प्रिंट करना है। तो देख रहे हैं कि लेफ्ट से 0.25, टॉप से 0.75, राइट से 0.25 और आपका बॉटम से 0.75 जो इंचेस है इतना स्पेस छूटा हुआ है, और उसके बीच वाले एरिया में हमारा डेटा, हमारा जो भी स्प्रेडशीट में डेटा है वो प्रिंट होगा। ठीक है, तो ओके कर रहे हैं। फिलहाल हम देख रहे हैं कि हमारा जो यूज़र को रिक्वायर था कि उसको सीरियल नंबर से टोटल तक एक ही पेज में मिल जाए। इसके बाद जो यूज़र की जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी कि उसको पहले पेज में रिकॉर्ड नंबर 1 से लेके रिकॉर्ड नंबर 20 तक डेटा वो प्रिंट करना चाहता है। इस तरह से उसकी जो शीट्स हैं वो तीन शीट्स उसको यूज़ करनी होंगे प्रिंट में। तो पहला काम हमने कर दिया। नेक्स्ट आप देख पा रहे हो कि अगर आप जैसे ही आपने इस पेज लेआउट में क्लिक किया था, आपके पेज लेआउट में ऊपर आपको हेडर और नीचे आपको फुटर ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, तो यूज़र क्या कर सकता है, इस हेडर और फुटर में अपना कुछ टेक्स्ट लिख सकता है, अपने सिग्नेचर कर सकता है या कुछ भी वो अपने यहाँ पर लोगो लगा सकता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, आप डिज़ाइन में क्लिक करेंगे तो आप इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। हेडर फुटर आप चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपने लिखना है या कोई और फाइल आपने लगानी है। पेज नंबर आप लगा सकते हैं, ठीक है, तो फिलहाल हम या डेट एंड टाइम लगा सकते हैं पेज नंबर के साथ, डेट एंड टाइम। ठीक है, फाइल का नेम, जो आपकी फाइल का नेम दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर सेशन 4 है तो आप सेशन 4 भी यूज़ कर सकते हैं, तो सेशन 4 आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप पिक्चर चाहते हैं तो आप पिक्चर भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इतना कुछ हमने इसमें ऐड कर चुके हैं, तो ये अननेसेसरी है, इतना हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम ओनली यहाँ पे पेज नंबर यूज़ करेंगे, ये हमारा पेज नंबर 1 है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब अगर जो हमने सेटिंग्स की हैं इसके बाद हमारा प्रिंट किस तरह का दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आपका पहला पेज है जिसमें आपको 1 से लेकर 10 तक रिकॉर्ड आपके पास हैं, रेस्ट ऑफ 10 रिकॉर्ड्स आपको इसी सेम पेज में चाहिए। तो आप देख रहे हैं इस तरह से हमारे पास 4 पेजेस हो गए हैं इंस्टेड ऑफ 8 पेजेस। तो 8 पेजेस से हम 4 पेजेस में आ गए हैं, हम 4 से हमें 3 पेजेस में आना है। ठीक है, तो ये हमारा पहला पेज है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड पेज। सेकेंड पेज में एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। सेकेंड पेज में क्या हो रहा है, आप ध्यान से अगर देख रहे हैं कि पहले पेज को अगर आप प्रिंट करेंगे तो आपको कॉलम्स की जो हेडिंग है, जो रो में आपका रो 1 में आपका जो डेटा है वो आपको नेक्स्ट शीट में नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से समझने में आपको दिक्कत हो जाएगी कि आपका 180 जो आपका डॉलर है अमाउंट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किस मंथ की सेल है। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन हम पेज लेआउट में जाएंगे, हम क्या करेंगे प्रिंट टाइटल्स में हम क्लिक कर रहे हैं। तो प्रिंट टाइटल्स आपके जो प्रिंट्स का जो टाइटल है, यानी कि पेज का जो टाइटल है उसको सेट करता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे पेज सेटअप में, यानी कि हमारा प्रिंट टाइटल्स में जाने के बाद हम रोज टू रिपीट एट टॉप, यानी कि कौन सी रो हम टॉप में रिपीट चाहते हैं वो हम ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स में या तो आप उस रो का नाम लिख दें, अदरवाइज आप एक रेंज को सिलेक्ट करने के लिए इस बटन में क्लिक करें, आपके पास ये अपने आप मिनिमाइज हो जाएगा और जो आप नेक्स्ट आपको ऑप्शन देगा कि आपको चूज़ करिए। राइट, तो जैसे मैंने यहाँ पर इस रो में क्लिक किया, मैंने पहले ही इस सेल में क्लिक किया, तो ये कंप्लीट रो इसकी क्या हो गई, रिपीट हो गई, यानी कि पूरी सिलेक्ट हो गई है। इसका मतलब ये आपके सेकंड पेज में भी अब रिपीट होगी, जब आप इसको प्रिंट लोगे तो सेकंड पेज और थर्ड पेज, यानी कि जितने भी पेजेस होंगे सारे पेजेस में रिपीट होगी। ओके, तो हम इसमें ओके अगेन मैं लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ एंड देन ओके। ठीक है, अब अगर आप फाइल में जाके इसका प्रिंट देखेंगे तो आपको देख पाएंगे कि सेकंड पेज में भी आपका सेम जो आपका रो थी, हेडिंग थी, वो आपकी प्रिंट हो रही है। ठीक है, हमें जो अगला काम करना है, हमें इस 4 शीट के डेटा को कितने में कन्वर्ट करना है, हमें 3 शीट्स में कन्वर्ट करना है जिसमें 20-20 रिकॉर्ड्स हमें सारे पेजेस में चाहिए। तो इस काम के लिए हम लोग क्या करेंगे, पेज ब्रेक प्रीव्यू में हम क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेज को ब्रेक करेंगे। पेज ब्रेक करेंगे कैसे, सर्टेन कंडीशंस थे। तो हमारे पास कंडीशन क्या है कि हमें रिकॉर्ड नंबर 1 से लेके रिकॉर्ड नंबर 20 तक हमें एक शीट में चाहिए डेटा, और 20 से लेके 40 तक नेक्स्ट शीट में, एंड 40 से लेके 60 तक हमें थर्ड शीट में। राइट, तो अगर हमें इस 20 रिकॉर्ड में अगर हमें ब्रेक चाहिए, तो ये आपका 20th रिकॉर्ड, यानी कि इसके पास आपको अगर एक पेज ब्रेक चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसके जस्ट बिलो, इसकी जो नीचे वाली जो हमारी रो होगी उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम ब्रेक में जाएंगे और इंसर्ट पेज ब्रेक में क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इंसर्ट पेज ब्रेक में क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि आपका 20th जो आपका रो रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड के नीचे आपका एक पेज का ब्रेक हो चुका है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि पेज 1 जो आपका आप चाह रहे थे कि 1 से लेकर 20 एक ही पेज में आए, लेकिन यहाँ पर दो पेजेस आ गए। तो दो पेजेस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमने एक पेज ब्रेक यहाँ पर ऑलरेडी पहले से मेंशन है, यानी कि 10th जो रिकॉर्ड है उसके बाद आपको पेज को ब्रेक कर दिया है। अगर आपको किसी पेज ब्रेक को इंसर्ट करना है तो ये तरीका था। हम अब नेक्स्ट कर रहे हैं कि कैसे हम
किसी पेज ब्रेक को किस तरह से हम रिमूव करते हैं। तो रिमूव करने के लिए भी अगेन हमें उसके जस्ट नीचे वाली रो को सिलेक्ट करना होगा, ब्रेक में जाएंगे और रिमूव रिमूव पेज ब्रेक, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि 1 से लेके 20 तक आपका जो रिकॉर्ड है वो एक पेज में आ गया है। अब नेक्स्ट हमें जो ब्रेक चाहिए था यानी कि 21 से लेके, ठीक है, यानी कि 21 से लेके जो रिकॉर्ड है हमें 21 से लेके 40 तक हमें सेकेंड पेज में चाहिए। तो 21 से लेके 2nd यानी कि 40 तक आपका बिल्कुल पेज ब्रेक आपके सही ही है, बट एक पेज भी आपको यहाँ पे अननेसेसरी मिल रहा है, यानी कि 24th रो से पहले आपको एक पेज ब्रेक मिल रहा है, यानी कि 1st, 2nd, 3rd। तो ये सेकेंड पेज में इतना डेटा, इतना सारा डेटा को प्रिंट करेगा। तो इस पेज ब्रेक को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए अगेन सेम स्टेप, नीचे वाली रो को सिलेक्ट करेंगे, ब्रेक में जाएंगे और रिमूव पेज ब्रेक। आप देख रहे हैं कि 21 से लेके 40 आपका सेकेंड पेज में आ गया और 41 से लेके 60 आपका थर्ड पेज में आ गया। तो इस तरह से यूज़र ने क्या करा, अपने रिकॉर्ड्स को ईजिली इन थ्री पेजेस उसने प्रिंट कर लिया, ठीक है। तो अब अगर इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, अपने इस रिकॉर्ड को, अपने स्प्रेडशीट के रिकॉर्ड को यूज़र 3 पेज में ईजिली प्रिंट कर पा रहा है, जिसमें वो ऊपर से उसको हेडर में पेज नंबर्स मिलेंगे, पहला पेज नंबर, सेकंड पेज नंबर, थर्ड पेज नंबर, और इस तरह से हर एक पेज में पहली जो रो है वो क्या कर दी हमने, रिपीट कर दी, जिससे यूज़र को इस डेटा को स्टडी करने में भी आसानी होगी, राइट। तो इस तरह से हम पेज ब्रेक्स को यूज़ करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।